हेलो सो आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। अनन्या 5 साल का था मैं जब मामा में छोड़ के चली गई थी। बस पापा ही तो थे, हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे, पर अब वो भी। तो आई नो बहुत मुश्किल टाइम है आपके लिए, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। उनके उनके जाने के बाद बहुत अकेला सा हो गया। आई अंडरस्टैंड सो। एनीवेज हाउ हैव यू बीन? मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैनेजिंग कमिटी तुम्हारे फ्लाइंग पे बैन लगा देगी। इट्स ओके सर। नो इट्स नॉट ओके। मैंने सेन को सिर्फ एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी एब्सेंस में वो इतना स्टर्न डिसीजन ले लेंगे। इट्स फाइन सर। से उन्हें जो ठीक लगा वही किया। सो नो कंप्लेंट्स। वैसे तो मीडिया ने मुझे विलन बना ही दिया। डजंट मैटर। आज इंक्वायरी कमेटी के डिसीजन के बाद वही मीडिया तुम्हें यू हैव मीटिंग एट 12 राइट? आई एम गोइंग देयर ओनली। अनन्या मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। कभी नहीं। सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। Hi. Pause. Rewind. बस यहां से प्ले करो। एक मिनट रुको। Zoom in. थोड़ा और। Oh God, you were quite right, Akash. विजय मफतलाल और डॉक्टर अवस्थी का मर्डर इसी ने किया है। ये वही आदमी है जिसने गोवा में तुम पे अटैक किया था। He's a professional and very dangerous. You're right. लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसने विजय मफतलाल के घर में घुस के उनको मारा। What about रोहित? मतलब अगर विजय मफतलाल को इसलिए मारा गया क्योंकि वो 2877 के बारे में कुछ जानता था, और अगर इस टेरर प्लॉट में इंडिया एयरलाइंस का कुछ कनेक्शन है, तो रोहित मफतलाल की जान को भी खतरा हो सकता है। ऑफिसर रावत, बी स्पेसिफिक, आपने फ्लाइट 812 में फोटोशूट अलाउ किया था या नहीं? यस सर, किया था, लेकिन सिर्फ एयरक्राफ्ट में, नॉट इन द कॉकपिट। तो फिर वो रिपोर्टर कॉकपिट में कैसे आई? कैप्टन राठौर के कहने पर। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू मैं नहीं आप दे रही थी। इट वॉज यू, जस्ट यू ऑफिसर अनन्या रावत। बट कैप्टन, लेट मी फिनिश फर्स्ट। जेंटलमैन, ये उस दिन सुबह से ही बिजी थी इंटरव्यूज देने, पहले एयरपोर्ट पे, फिर एयरक्राफ्ट में, एंड देन इन द कॉकपिट। दिस इज नॉट करेक्ट। मैंने तो करेक्ट है क्या नहीं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्ले करने के बाद सबको पता लग जाएगा। एग्जैक्टली सर, मैं भी वही कहने वाली थी। प्ले कीजिए। Thank you.
आई डोंट अंडरस्टैंड ये रिकॉर्डिंग चल क्यों नहीं रही है। बात करने का अंदाज पकड़िए सर। जो बात ये रिकॉर्डिंग नहीं बता सकती वो मैं बता रहा हूँ। वो रिपोर्टर कॉकपिट में आई थी अपना इंटरव्यू खत्म करने और ऑफिसर अनन्या रावत के कहने पे आई थी। डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग ऑफिसर रावत? यस सर, आई वुड लाइक टू से अगेन कि वो रिपोर्टर मेरे कहने पे नहीं बल्कि कैप्टन राठौर के कहने पे कॉकपिट में आई थी। कितना झूठ बोलोगी अनन्या? लेट मी फिनिश प्लीज। सर, ये रिकॉर्डिंग किसी ने डिलीट की है। ऑफिसर रावत, इट वॉज ऑल योर फॉल्ट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बार बार कैप्टन राठौर को क्यों ब्लेम कर रही हैं। इट वॉज योर मिस्टेक एंड यू हैव टू एडमिट इट। With due respect, sir, I would like to know कि ये recording delete कैसे हुई? Officer रावत, मेरी समझ में नहीं आता। या तो आप बहुत ही innocent हैं, या फिर निहायत ही बेवकूफ। Gentlemen, as you all know, CVR की recording बंद करने का काम co-pilot का होता है। और अगर उसे बंद ना किया जाए तो पिछली सारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। और यह बात ऑफिसर रावत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इन्होंने लैंडिंग के बाद सीवीआर को ऑफ नहीं किया। यस, ताकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस ना रहे, राइट? ये झूठ है। उस दिन आप ही ने मुझे मना किया था किसी स्विच को हाथ लगाने से। एक और झूठ। आप ही बताइए मैं इनको मना क्यों करूंगा? Now I know. It was Captain राठौर जिन्होंने जानबूझ के CVR को ऑफ नहीं किया था। मिस रावत, इसके बाद मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप सच जानते हुए भी उसे फेस नहीं करना चाहते। ऑफिसर रावत, आपको अपने सीनियर को ब्लेम करने से पहले सोचना चाहिए। प्लीज, आप अपने आप को बचाने के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से ऑफिसर रावत? जेंटलमैन, हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट ऑफिसर अनन्या रावत इंडिया अलायंस की बेस्ट पायलट्स में से एक है। इनकी ऑनेस्टी, इनकी कमिटमेंट, इनकी डेडिकेशन पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। सवाल तो उठ चुके हैं मिस्टर रोहित मफतलाल। सर, इसीलिए उन सवालों के जवाब मैं अपने साथ लाया हूं। मेरे पास दो ऐसे एविडेंसेस हैं जो क्लियरली इस बात को प्रूव कर देंगे कि IDA 812 में जो कुछ भी हुआ उसमें फर्स्ट ऑफिसर अनन्या रावत की कोई गलती नहीं थी। मेरा पहला एविडेंस, सो हैव अ लुक एट दिस फाइल। सर, इस फाइल के अंदर लेट मिस्टर रमेश शर्मा की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश चावला की रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि लेट मिस्टर शर्मा को उनके कार्डियोलॉजिस्ट रजनीश चावला ने सख्त मना किया था ये ट्रैवल करने के लिए। और सर, मेरा दूसरा एविडेंस है अ लेटर फ्रॉम DGCCA टू इंडिया एयरलाइंस। ये वो परमिशन लेटर है जो DGCCA ने इंडिया एयरलाइंस को दिया था एयरक्राफ्ट और कॉकपिट में फोटोशूट करने के लिए, ऑब्वियसली कैप्टन राठौर की परमिशन के बाद। और इसके बाद भी अगर फर्स्ट ऑफिसर रावत कह रही हैं कि उन्होंने उस रिपोर्टर को कॉकपिट में आने से मना किया था, तो सर इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। आई होप इट्स ऑल क्लियर जेंटलमैन। Excuse me, everyone.
ऑफ है। शेफू एक बार फिर से ट्राई करना। स्टॉप इट शेफू, तुझे पता है ना वो कहाँ गई है? फिर क्यों बार बार फोन कर रही है उसे? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। आपको कहा भी था कि उसके साथ चले जाइए। अनन्या मेरी बहादुर और सच्ची बेटी है, और जो लोग बहादुर और सच्चे होते हैं उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। इंक्वायरी कमेटी ने सभी एविडेंसेस को एग्जामिन किया एंड वी हैव रीच्ड अ कंक्लूजन के ऑफिसर अनन्या रावत के अगेंस्ट सभी ब्लेम फॉल्स है, गलत है। कमेटी ने इसीलिए इन्हें एक्विट किया और इंडिया एयरलाइंस को ऑर्डर दिया कि इनकी फ्लाइंग पे लगे सभी बैन हटाए जाए विद इमीडिएट इफेक्ट। थैंक यू। और इस वक्त की बड़ी खबर, इंडी एयरलाइंस की पायलट अनन्या रावत को इंक्वायरी कमेटी की क्लीन चिट। यस यस दिया, लुक एट दैट, अनन्या दी इज अ हीरो। मैंने बोला था ना, एक मिनट सुनने तो दो। अनन्या रावत को इंक्वायरी कमेटी की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है कि आईडीए 812 में सवार मरने वाले यात्री। मैंने कहा था ना कि सच की हमेशा जीत होती है, देखो हो गई जीत। भले इस कमेटी ने माफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बिकॉज यू हैव किल्ड माय फादर। रावत, कंग्रेचुलेशंस, इंक्वायरी कमीशन ने आपको आजाद कर दिया, तो अब आप फ्री हैं टू किल। बस एक बात माननी पड़ेगी, कमाल की अप्रोच है आपकी। अप्रोच? ऑफ कोर्स डूड, रोहित सर की अप्रोच। अगर रोहित सर ना होते तो हो गया था इनका टर्मिनेशन फॉर एवर। वो तो एंड मोमेंट पे रोहित सर ने संभाल लिया, वरना तो। लेकिन रोहित सर ऐसा क्यों करेंगे? अरे यार तुम भी भाई, सीधी सी बात है, ड्यूटी के चक्कर में आदमी कोई भी ड्यूटी कर ही लेता है। लर्न हाउ टू टॉक टू वुमन। I never want you talking to a woman like that again. Star Plus के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।